दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड है या कोई भी आपका कोटक बैंक का अगर होम लोन चल रहा है या कार लोन चल रहा है या गोल्ड लोन चल रहा है तो आप उसमें मॉरेटर में यानी कि 3 मंथ्स का आप एक्सटेंड किस तरीके से ले सकते हो। मैं आपको सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, विद आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये भी बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए रोज लाते रहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको गूगल पे सर्च करना है कोटक बैंक। जैसे आप कोटक बैंक सर्च करोगे तो यहाँ पे पहला ही वेबसाइट ओपन हो जाता है, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक सेविंग अकाउंट पर्सनल लोन ऐसा, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। जैसे कोटक बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाता है, जैसे कि www.kotak.com। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम वेबसाइट को ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी आपको मॉनिटर में लेना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो COVID-19 PCCS आ रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंटिन्यू टू सर्विस यू आ रहा है, तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना। जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉलमेंट मॉरेटरियम आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा गया है टू प्रोवाइड रिलीफ ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल टाइम यू अलाउ टू द डिफर योर लोन रीपेमेंट फॉर 3 मंथ्स। तो हमें रिक्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे हम रिक्वेस्ट नाउ पे क्लिक करें तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ऑप्शन खुल के आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्टली आप मोबाइल नंबर डाल के भी प्रोसेस कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली कस्टमर केयर पे कॉन्टैक्ट करके या आप डायरेक्टली ईमेल करके या उनके ब्रांच जाके भी आप मॉरेटर में यानी कि 3 मंथ्स का आप एक्सटेंड ले सकते हो। फिलहाल अभी हम आपको बताएंगे कि आप ऑनलाइन किस तरीके से आप प्रोसेस कर सकते हो। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आपको डालना रहता है, जैसे कि हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना रहता है, उसके बाद सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है और सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। जैसे हम सेंड OTP पे क्लिक करें तो दोस्तों यहाँ पे OTP सेंड सक्सेसफुल आ रहा है, तो क्लोज पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। OTP आ चुका है तो OTP हम यहाँ पे डालते हैं, जैसे कि 701327, तो कन्फर्म पे क्लिक करें। जैसे हम कंफर्म पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटर APAC लोन अकाउंट नंबर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे टिक मार्क करेंगे ट्रीमेंट कंडीशन। अगर आपको ट्रीमेंट कंडीशन जानना हो तो आप यहाँ पे ट्रीमेंट कंडीशन पे क्लिक कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे बैंक पॉलिसी बिफोर प्रोवाइडिंग योर कंसेंट आ रहा है, तो हम इस पर क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इनकी जो भी पॉलिसी वगैरह रहेगी यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। 31 मार्च 2020 का ये स्टेटमेंट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एज मॉडिफाइड April 3, 2020 को इन्होंने मॉडिफाई किया है। तो यहाँ पे आप सारी जानकारी ले सकते हो कि ये जो मॉनिटरिंग पीरियड है 1 मार्च 2020 लेके 31 मई 2020 तक चलेगा। जैसे कि ये जो है आपके जो भी आपके लोन चल रहे, क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह चल रहा है, इस पर भी ये अप्लाइड हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो। फिलहाल अभी हम आपको बता दें कि आप किस तरीके से मॉरेटोरियम के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हो। फिलहाल हम सेम पेज पे फिर से चलते हैं, यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करें। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो चूज प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आपका कौन सा आपको किस प्रोडक्ट पे यानी कि किस लोन पे आपको मॉरेटोरियम में यानी कि 3 मंथ्स का आपको एक्सटेंड लेना है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, कंज्यूमर फाइनेंस हो गया, होम लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, कार लोन हो गया, बिजनेस लोन, एग्री लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन हो गया, वर्किंग कैपिटल, लाइट कमर्शियल व्हीकल लोन, ट्रैक्टर लोन, यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल लोन है, ड्रीम प्रोजेक्ट फाइनेंस लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, पर्सनल लोन, क्रॉप लोन, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी है। जैसे कि आपका जो भी लोन चल रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करें, जैसे आप क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी नंबर वगैरह रहता है वो आपको यहाँ पे डालना रहता है। अगर आपका कोई भी दूसरा लोन चल रहा है, जैसे कि अगर आपका होम लोन चल रहा है तो आपको होम लोन का अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना रहता है। अगर आपका कार लोन चल रहा है तो आपको कार लोन का अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना रहता है। अब आप अकाउंट नंबर किस तरीके से देख सकते हो, आप कोटक महिंद्रा बैंक का ऑफिशियल जो ऐप रहता है उसमें आप जब लोन सेक्शन पे जाओगे वहाँ पे आपका जो भी लोन का अकाउंट नंबर वगैरह रहेगा वो आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का नंबर वगैरह डालेंगे, यहाँ पे टिक मार्क करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपका जो रिक्वेस्ट है कोटक महिंद्रा बैंक के पास जाएगा और उसके बाद 24 या 48 हॉर्स में आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आपका मॉरेटोरियम सक्सेसफुली हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका फिर भी कुछ डाउट बाकी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई हम जरूर दे देंगे। तो दोस्तों मिलते ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।